वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर दैट इज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखे थे इसका इसके बारे में, शेयर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। लेकिन अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो बेसिक प्रोसीजर है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने का, जो उसके अंदर स्टेप्स है, बेसिक स्टेप्स, वो हम देखते हैं। बेसिक स्टेप्स इन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम को हम बोलते हैं SFD, ठीक है, शॉर्ट में। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम बोलते हैं BMD, ठीक है। शेयर फोर्स को हम क्या कहते हैं, SFD, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम क्या कहते हैं, BMD, राइट। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप है, अभी हमको इसमें गिवन क्या दिया रहेंगे, एक रिएक्शन डायग्राम दिए रहेंगे गिवन, ठीक है। हमको एक डायग्राम दी रहेंगे इसके अंदर, एक गिवन डायग्राम रहेंगे, ठीक है, इसके ऊपर रिएक्शंस हो सकते हैं। इसके अंदर क्या हो सकता है गिवन डायग्राम के अंदर, या तो सिंपली सपोर्टेड बीम रहेंगी, ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम रहेंगी या ओवरहंग बीम रहेंगी, ठीक है, और या तो कैंटिलीवर बीम रहेंगी। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम हमने देखे थे, टाइप्स ऑफ बीम के अंदर हमने देखे है सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, कैंटिलीवर बीम क्या होता है, और सिंपली सपोर्टेड ओवरहंग सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, ये हम सब हमने देखे हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है और एक बार हम देख लेते शॉर्ट में यहाँ पर। सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब एक ऐसी बीम जिसके ऊपर एंड पॉइंट के ऊपर उसके क्या हो, दो रिएक्शंस हो, ठीक है, कंपल्सरी, दिस टू रिएक्शंस आर कंपल्सरी ऑन दिस बीम, दैट इज ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट। इफ वी कैन से दैट द बीम इज AB, देन रिएक्शंस आर ए एंड RB, दो रिएक्शंस रहेंगी। अगर बीम AB है हमारी, तो ये दो रिएक्शंस इसके ऊपर नॉर्मली होती है, ठीक है। ये क्या कौन सी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम। इफ ओवरहंग सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है तो क्या रहेगा, यहां से एक्सटेंडेड लिंक रहेंगी, ठीक है, बीम क्या है थोड़ी सी एक्सटेंड रहेंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवरहंग सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। मींस ए और बी क्या है, एंड पॉइंट्स है सिंपली सपोर्टेड बीम के, लेकिन लेकिन उसके बाद बीम को क्या किया गया, ओवरहंग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम कौन सी होती है, ठीक है, जिसका एक एंड जो है वो फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड जो है वो फ्री होता है, ठीक है। ऐसी बीम जिसका एक एंड फ्री हो और दूसरा एंड क्या हो, फिक्स्ड हो, ठीक है, इस बीम को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड, इस बीम को हम क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम कहते हैं। ओके, तो आपके सिलेबस में जनरली सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और ओवरहंग सिंपली सपोर्टेड बीम, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो
इस तरह का कोई भी डायग्राम दी रहेंगी आपको, फर्स्ट स्टेप जो गिवन डायग्राम रहेंगी, ठीक है, उसके अंदर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अभी स्टेप नंबर वन, सॉरी स्टेप नंबर टू, स्टेप टू हम क्या करेंगे, दिस इज स्टेप वन, स्टेप टू के अंदर हम क्या करेंगे कि हम फाइंड आउट करेंगे रिएक्शंस, ठीक है, टू फाइंड ड्रॉ एफ बी डी, वी विल ड्रॉ एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम एंड फाइंड अननोन रिएक्शंस, ठीक है, अननोन रिएक्शंस हम क्या करेंगे। सेकेंड चीज, पहला तो डायग्राम जो दी रहेंगी उसको गिवन डायग्राम लिखेंगे, अगर आपको हमको डायग्राम नहीं दिए वर्डिंग के फॉर्म में दिया है, ठीक है, सेंटेंस लिखा है तो पढ़ के हम क्या करेंगे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसमें क्या सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया, इसका मतलब ये फिक्स्ड है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम उसने दिया कि ए सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी, तो हमको ये डायग्राम ड्रॉ करना है यहाँ पे ए बी, ठीक है, और उसमें दो रिएक्शंस भी ड्रॉ कर देना है बाद में फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो देगा उसके अंदर कि उसकी लेंथ इतनी इतनी है, इतने इतने डिस्टेंस के ऊपर, इतने इतने लेंथ के ऊपर एक पॉइंट लोड लगा है, ठीक है, और उसके बाद इतने ओवर स्पैन के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ये रहेंगे हम जो है जो भी क्वेश्चन में डायग्राम है या तो फिर जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया है उसका यूज़ करके हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सेकेंड हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर जो रिएक्शंस है अननोन रिएक्शंस है वो रिएक्शंस फाइंड करेंगे। अब जनरली जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है इसके अंदर दो रिएक्शंस होती हैं, राइट, बट कैंटिलीवर बीम जो होते हैं इसके अंदर हमको रिएक्शंस फाइंड करने की जरूरत नहीं, ओके, इसके ऊपर रिएक्शंस नहीं होती, राइट। स्टेप नंबर थ्री, स्टेप थ्री शेयर फोर्स कैलकुलेशन, SF कैलकुलेशन लिखता हूँ मैं, शेयर फोर्स कैलकुलेशन एंड डायग्राम, ठीक है, और SFT शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है, हम शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे और शेयर फोर्स के डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर फोर, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, क्या करेंगे हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन ड्रॉ करेंगे, कैलकुलेशन बताएंगे और उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट। स्टेप नंबर फाइव, यहाँ पे हमारा SFD और BMD डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप नंबर फाइव, अगर हमको कुछ स्पेशल डेटा दिया है, स्पेशल चीज फाइंड आउट करने को बोला, जैसे कि फाइंड करो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है अगर कोई डायग्राम में तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर का लोकेशन फाइंड करो, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो जो अदर जो भी चीजें फाइंड करने को बोलेगा वो स्टेप नंबर हमारे फाइव में आएंगे, ठीक है। अदर कैलकुलेशन, अदर कैलकुलेशन लाइक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर एक्सेट्रा, ठीक है, ओके, ये थी इसकी बेसिक स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप फिर से देख लो, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उसका यूज करके हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो हमको हमने डायग्राम निकाले या क्वेश्चन में जो डायग्राम है उसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। अब ये दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है, फ्री बॉडी डायग्राम और गिवन डायग्राम, इसमें डिफरेंस ये रहेगा, फॉर एग्जांपल हमको डायग्राम दी है या डेटा दिया है डायग्राम ड्रॉ करने को सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, और उस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर इस तरह से मान लो
तो डायग्राम इस तरह से भी है कि सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 5 मीटर लेंथ, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ठीक है ए बी ऑफ 5 मीटर लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर है ठीक है, विच इज लेंथ इज 5 मीटर ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है राइट। सिंपली सपोर्टेड बीम राइट, इसके ऊपर यहाँ पे हम दो रिएक्शंस फाइंड कर लेंगे, दो रिएक्शंस लगा देंगे आर ए आर बी ठीक है। आगे दिया है डेटा हमको, देर इज अ पॉइंट लोड एक्टेड ऑन ए बीम एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए ठीक है इन अपवर्ड डायरेक्शन राइट, और वहां पे गिवन डेटा हो सकता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन दिया हो, मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन दिया है तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन डिस्टेंस 2 मीटर राइट, डिस्टेंस कितना 2 मीटर ओके। अभी इसमें आप ये चीज मत नोट करना कि 5 मीटर है, आप सेंटर मत लेते बैठने इसका, नहीं तो ये क्योंकि ड्राइंग का लेक्चर नहीं है, इज नॉट ए ड्राइंग लेक्चर, ये सिर्फ आपका जो शियर फोर्स डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ठीक है, ये डायग्राम करेक्ट होना चाहिए राइट। ये जो डायग्राम ड्रॉ किया आप, वरना कुछ लोग सोचेंगे कि 2 मीटर इतना है और 3 मीटर ये रिमेनिंग कितना है ठीक है, ये आपका मैनुअल जजमेंट होना चाहिए कि आप मैनुअली इसको कहीं पे भी लोकेट कर दो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 2 मीटर पे लोकेट कर दिए, फिर 3 मीटर पे यहाँ पे लोकेट कर दिए और टोटल लेंथ 5 मीटर है, फिर 1 मीटर यहाँ पे बचा रहे, रिमेनिंग नहीं होना चाहिए ठीक है। और आगे दिया है डेटा हमको कि 1 मीटर एंड ऑल्सो 1 मीटर लोड इन अपवर्ड डायरेक्शन, सॉरी ये 2 किलोन्यूटन लोड ठीक है, उसके बाद डेटा दिया है कि ऑल्सो 5 किलोन्यूटन लोड एक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट बी ठीक है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 5 किलोन्यूटन एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर राइट। इस तरह से हमको ये क्या दी है, फिर बहुत डायग्राम दिया है, और क्या बोला है कि देर इज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ठीक है, वहां पे दिया है और देर इज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 4 किलोमीटर पर मीटर ऑन ए स्पैन ऑफ ए बी ठीक है, पूरे स्पैन के ऊपर, पूरे स्पैन के ऊपर क्या दिया है यूडीएल दिया है ठीक है ऑफ 4 किलोमीटर पर रन और पर मीटर हम लिख सकते हैं उसको पर स्पैन राइट। इस तरह से ये डायग्राम दी है ठीक है, ये डेटा दिया था, हमने डायग्राम ड्रॉ किए, तो ये कौन से डायग्राम हो गए, ये गिवन डायग्राम हो गए ठीक है, हमको जो डेटा दिया है हम आगे देखेंगे न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स में आपको समझ में आएगा कि किस तरह से डेटा का यूज करके हम डायग्राम निकालते हैं राइट। तो ये गिवन डायग्राम हुए, तभी फ्री बॉडी डायग्राम कौन सी रहेगी, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम जो रहेंगी ठीक है, गिवन डायग्राम में हमें दो रिएक्शंस नहीं भी दिए तो चलेगा ठीक है, वो रिएक्शंस किस में आ जाएंगी, फ्री बॉडी डायग्राम में एफबीडी के अंदर आ जाएंगी। अब इसकी जो डायग्राम रहेंगी वो कैसे रहेंगी यहाँ पे ठीक है, दिस इज पॉइंट, रिएक्शंस हमने ऑलरेडी ले लिए है, लेकिन वो रिएक्शंस फ्री बॉडी डायग्राम में आर ए आर बी ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी ठीक है, हम क्या करेंगे ये दोनों पॉइंट को भी नाम दे देंगे ठीक है, ए बी हो गया इसको नाम दे देते हैं हम लोग सी, और इसको नाम दे देते हैं डी ठीक है, ए बी सी राइट। यहाँ पे 2 किलोमीटर, यहाँ पे 5 किलोमीटर ओके, स्पैन 2 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर, इसका मतलब ये इतना डिस्टेंस कितना है इज ऑल्सो 2 मीटर राइट। और आप क्या करेंगे, क्या दिया है 4 किलोमीटर पर मीटर और यूडीएल दिया है, जब भी यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं या यूडीएल के ऊपर रिएक्शन फाइंड करते हैं या यूडीएल का जो एफबीडी बनाते हैं उस टाइम पे क्या होता है, यूडीएल जो है हमेशा
यूडीएल के लिए, यूडीएल पे जब कन्वर्जन करना है फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर, तो यूडीएल ये मल्टीप्लाई होता है जो भी लोड दिया है हमको, ठीक है, लोड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस या ओवर जितना स्पैन वो दिया है, ठीक है, कितना स्पैन दिया है ए से लेके बी, लेंथ, ठीक है, लोड इनटू लेंथ, कितना लोड दिया है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दिया है लोड इनटू लेंथ, कितने लेंथ के ऊपर है वो, देखो ये यूडीएल कितना है ए से लेके पूरा बी तक है, मतलब पूरा के पूरा 5 मीटर पे है, राइट, 5 मीटर, ये क्या दिया हमको किलोमीटर पर मीटर, और ये 5 मीटर, तो कितना आ जाएगा 520, 20 किलोन्यूटन, ठीक है, सो दिस लोड इज हाउ मच, ये यूडीएल कितना हो जाएगा 20 किलोन्यूटन, ये जो 4 किलोमीटर दिख रहा है हमको 20 किलोमीटर, और ये एक्ट कहाँ पर होगा, ये एक्ट होगा सेंटर में, जो टोटल लेंथ है 5 मीटर उसके सेंटर में एक्ट होगा, ठीक है, जितनी भी लेंथ पे वो दिया है उसके सेंटर में वो क्या होगा का पोजीशन कहाँ पे रहेगा, पोजीशन सेंटर में रहेगा, राइट, सो 2.5 यहाँ से यहाँ पे वो क्या होगा एक्ट होगा, लेकिन लेकिन हमको ये ड्रॉ करना ज़रूरी है यहाँ पे यूडीएल, क्यों, क्योंकि इसके रेफरेंस से हम क्या करेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, है ना, ये कितना है, आप ऐसा किया करो उसको क्रॉस 20 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया हमारी फ्री बॉडी डायग्राम। अभी रिएक्शंस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, जब भी रिएक्शंस फाइंड करते हैं अपने मैकेनिज्म में पढ़कर आए हैं, रिएक्शंस कैसे फाइंड करते हैं, 3 कंडीशंस है जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करके हम रिएक्शंस फाइंड करते हैं हमेशा, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर आर 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कौन सी कंडीशन है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आपने ऑलरेडी पढ़े हैं मैकेनिक्स में, लेकिन फिर भी देख लो एक बार, ठीक है, देयर आर 3 कंडीशंस, फर्स्ट समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर इक्वल टू 0, मींस समेशन ऑफ एफएक्स इक्वल टू 0, पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस आर इक्वल टू 0, ठीक है, तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड वन इज मोमेंट अबाउट ए पॉइंट ऑफ ऑल द डायग्राम दैट इज इक्वल टू 0, किसी भी पॉइंट के ऊपर हम मोमेंट लेंगे वो मोमेंट क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए पॉइंट, ठीक है, से दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये 3 कंडीशन का यूज करके हम क्या करेंगे इसके ऊपर जो भी अननोन रिएक्शंस रहेंगे वो रिएक्शन फाइंड हो जाती है, ठीक है, ये 3 कंडीशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं जितनी भी अननोन रिएक्शंस है वो फाइंड कर सकते हैं, राइट, ये हो गया। इसके बाद शेयर फोर्स कैलकुलेशन और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ठीक है, और शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक इस तरह से बनाते हैं, शेयर फोर्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, देखो लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं और राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, मान लो जैसे कि हमने पढ़े हैं अभी तक मैकेनिक्स में पढ़े हैं हमने कि जब हम समीकरण में एफएक्स लेते हैं तो जितनी भी वर्टिकल अपवर्ड फोर्स रहती है उसको क्या लेते हैं हम प्लस, डाउनवर्ड फोर्स को क्या लेते हैं माइनस, राइट, और क्या करते हैं क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, इस तरह से लेते हैं, लेकिन कब When we are considering from left to right, ठीक है, left to right, ये कब रहेगा नोट डाउन कर लेना आपने, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमेशा हम जब भी समेशन ऑफ एफएक्स इक्वल टू 0 करते हैं तो उसके अंदर आपने देखे होंगे हम लेफ्ट साइड से ही हमेशा रिएक्शंस फाइंड करते हैं, ठीक है, या लेफ्ट साइड से ही हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, तो जब भी लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाते हैं तो अपवर्ड फोर्स को प्लस लेते हैं, डाउनवर्ड फोर्स को माइनस, क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स को प्लस, अपवर्ड फोर्स को माइनस, क्लॉकवाइज को माइनस, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस। कब? जब हम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट साइड आएंगे। ठीक है, ये नोट डाउन करना है आपको, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, तो ये ऑलरेडी आपने पढ़कर आए हैं ठीक है मैकेनिक्स में, लेकिन फिर भी आपको ये इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मैं लिखा दे रहा हूँ कि लेफ्ट साइड से जब राइट साइड में जाते हैं क्या लेते हैं, अपवर्ड को प्लस, डाउनवर्ड को माइनस, क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। जब राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो डाउनवर्ड को प्लस, अपवर्ड को माइनस, लेफ्ट साइड को माइनस, राइट साइड को प्लस। ठीक है राइट, तो अभी शेयर फोर्स कैलकुलेशन और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। शेयर फोर्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, सेम इसी तरह से हम इसके अंदर या तो लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे या राइट साइड से करेंगे। ठीक है, जब भी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड के अंदर भी हम ये अप्लाई करेंगे, अपवर्ड प्लस, डाउनवर्ड माइनस। अगर राइट साइड से करेंगे स्टार्ट, ये साइड से ये साइड आएंगे तो डाउनवर्ड प्लस, अपवर्ड माइनस, एंटी क्लॉकवाइज प्लस, क्लॉकवाइज माइनस। ठीक है, और सेकंड चीज के जो डायग्राम जो बनेंगी उसके अंदर जो भी डायग्राम बनेंगी उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमको पॉइंट लोड दिया है, ठीक है पॉइंट लोड है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, ठीक है अगर पॉइंट लोड है तो शियर फोर्स डायग्राम के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, ऐसी लाइन बनती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लेना, जब भी पॉइंट लोड अगर है हमारी एसएफडी के अंदर शेयर फोर्स सिंपल सॉरी हमारी एफबीडी के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर, तो हम जब शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे ठीक है, या तो फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर पॉइंट लोड हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा और बेंडिंग मोमेंट के अंदर इंक्लाइन रहेगा। ठीक है, स्ट्रेट इंक्लाइन इंक्लाइन रहेगा। ओके, अगर यूडीएल स्पैन दिया है हमको, क्या दिया है, यूडीएल स्पैन दिया है, ठीक है तो शेयर फोर्स क्या रहेगा, शेयर फोर्स के अंदर वो जो सेक्शन रहेगा उतना वो रहेगा स्ट्रेट इंक्लाइन और इसके अंदर रहेगा पैराबोला या पैराबोलिक। ठीक है ओके, पॉइंट लोड अगर है तो शेयर फोर्स डायग्राम के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर इंक्लाइन लाइन आएगी, यूडीएल अगर है तो शेयर फोर्स डायग्राम के अंदर इंक्लाइन लाइन आएगी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर पैराबोलिक कर्व आएगा। ठीक है, पैराबोलिक कर्व लिख लो यहाँ पे। ठीक है, और अगर यूवीएल है, यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी देख लो कि अगर यूवीएल दिया है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दिया है, तो उसके अंदर क्या होता है, शेयर फोर्स डायग्राम के अंदर पैराबोलिक कर्व आता है और इसके अंदर क्यूबिक कर्व। ठीक है, राइट, ठीक है, इस तरह से होता है हमारा। अभी जो भी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो बेंडिंग मोमेंट जो है, बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड पॉइंट के ऊपर हमेशा जीरो होता है। ठीक है, याद रखो, अभी आप ये चीज़ें नोट डाउन करो, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट हमेशा एंड पॉइंट के ऊपर क्या होता है, जीरो होता है। राइट, और बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड के ऊपर हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। राइट, और सेम इस तरह से बेंडिंग मोमेंट जो भी सिंपली सपोर्टेड बीम रहेंगी, ओवरहंग बीम रहेंगी, जो भी सिंपली सपोर्टेड ओवरहंग बीम रहेंगी उसका जो फ्री एंड रहेगा या ओवरहंग एंड जो रहेगा वह एंड के ऊपर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, आप जब डायग्राम अलग अलग डायग्राम का न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे आपको उसमें समझेगा कि किस तरह से वो जीरो रख रहे। ठीक है, सेम इस तरह से जो फिक्स एंड रहेगा, हम जनरली जो है कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर भी कैलकुलेशन जो है जनरली हम राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि राइट टू लेफ्ट वो क्या होता है, सिंपल होता है। ठीक है, और वो सिंपल जाता है उसके अंदर डिफिकल्टीज नहीं आती है।
इसलिए हम कैलकुलेशन जो है शेयर फोर्स का भी और बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशंस भी हम राइट टू लेफ्ट करेंगे। और जो अदर चीज है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर, ये क्या होती है ये हमने देखे हैं लेक्चर में। ठीक है, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर। इस पॉइंट के ऊपर शेयर फोर्स जो है जीरो होती है और बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है, राइट। और ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट जीरो हो उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, कॉन्ट्रा फ्लेक्सर। ठीक है, तो हम डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे SFD और BMD डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में अगर हमको क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर इफ एनी, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन डायग्राम में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर फाइंड करो अगर कोई है तो, ठीक है, हम क्या करेंगे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे शेयर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो वो दोनों डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि ऐसा कोई पॉइंट है क्या जो बेस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर ऐसा कोई पॉइंट है जो बेस लाइन को क्रॉस कर रहा है तो उस पॉइंट के ऊपर वो पॉइंट नोट डाउन करेंगे हम लोग, वो पॉइंट क्या रहेगा हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर। ठीक है, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जीरो होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर। ठीक है, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर क्या, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है और ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर शेयर फोर्स जीरो होती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।